बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबलाइन वे इंग्लिश अकेडमी। जेम्स फॉर सोल के सिलसिले में आज की वीडियो में मैं आपको मार्फत इलाही का नुस्खा दूंगा। व्यूवर्स, इस दौरे हाजर में इंसान की नफ्सियात में ये बात शामिल है कि वो हर उस ताल्लुक को कायम रखने की कोशिश करता है जिसे वो अहम समझता है और जिससे उसका कोई फ़ायदा हो। मसलन किसी बड़े महकमे का ऑफिसर हो, कोई एमपीए एमएनए वगैरह, बंदा उससे ताल्लुक बनाता है ताकि उससे फ़ायदा हासिल कर सके या फ़ायदा हासिल करने की उम्मीद हो। लेकिन हम अपनी शौरी ज़िंदगी में अपने रब के ताल्लुक की अहमियत को जान ही नहीं पाते, इसलिए उससे ताल्लुक जोड़ने का नहीं सोचते और ना ही उसको अहमियत देते हैं। ये एक असूल है कि इंसान जिस काम को अहम समझे और करना चाहे उसका रास्ता बनना शुरू हो जाता है। ये भी अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि बगैर अल्लाह ताला की मदद और रहनुमाई के कोई बड़ा काम नामुमकिन है। अल्लाह ताला की हमें पल पल ज़रूरत है। इस दुनिया में आने से पहले भी उससे ताल्लुक था, इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी उसकी ज़रूरत है। वही हर काम में और मुश्किल में हमारा हाजत रवा है। तो फिर सोचें उसकी मार्फत की किस कदर ज़रूरत है। व्यूअर्स, ये नुस्खा मैंने शेखुल वज़ाइफ़ हज़रत मोहम्मद तारक महमूद मजज़ूबी चुगताई की किताब आदाब मार्फत से लिया है। बहुत प्यारा नुस्खा है, इसलिए सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। नुस्खा हाजिर खिदमत है। इस नुस्खे के अज्जाए तरकीबी कुछ यूं हैं: सच्चाई की कलियां, दयानतदारी के फूल, आजजी के अंगूर, मोहब्बत की कस्तूरी, इत्तिफाक का मगज़, सादगी के पत्ते, अखलाक की मिठास। मिकदार बकदरे ज़रूरत। तरकीब इसकी कुछ यूं है: इन अशिया को दिल की हंडिया में डालें और रियाजत के चूल्हे पर रखकर इश्क इलाही की तेज़ आंच दें, ऊपर इखलास का ढक्कन देकर काफ़ी देर तक पकने दें। याद इलाही की हवा देना ना भूलें। जब पक कर तैयार हो जाए तो शरीयत की नफीस बोतलों में भर लें। तरीका इस्तेमाल: सुबह शाम रहम दिली की गुलकंद मिलाकर इंसाफ के चम्मच से खाएं। परहेज़: गुस्से की मिर्चें, हिरसो खाशात की खटास और कीना आवर अशिया से मुकम्मल परहेज़ करें। नोट: दवा को मख्फी आमाल के फ्रीज़र में रखें ताकि शैतान की दस्तरस से महफूज रहे। उम्मीद करता हूँ कि मार्फत इलाही का यह नुस्खा आपको बहुत पसंद आएगा। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।